सुई धागा के प्रमोशन में कोई कमी नहीं छोड़ रहे ममता और मौजी। सुई धागा 28 सितंबर को रिलीज होने वाली है और इस फिल्म में लीड रोल्स में हैं वरुण धवन और अनुष्का शर्मा प्लेइंग द रोल्स ऑफ मौजी एंड ममता। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे दोनों, क्योंकि दोनों फिल्म को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। बताया जा रहा है कि इन दोनों ने 40 दिन का शेड्यूल फाइनल किया था फिल्म के प्रमोशन के लिए। जयपुर, लखनऊ, अलग अलग शहरों में ये फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे। काफी हेक्टिक शेड्यूल में दोनों प्रमोशन के दौरान पावर नैप लेते हुए दिखाई दिए। वहीं इन्होंने फिल्म को रियलिटी शोज पर भी प्रमोट किया, जैसे वरुण धवन पहुंचे थे बिग बॉस में या फिर इंडियन आइडल और भी कई डांस शोज में ये दोनों फिल्म को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे थे। फिल्म का प्रमोशन वैसे उसी वक्त से शुरू हो गया था जब फिल्म के लोगो डिजाइन के लिए ग्राफिक डिजाइनर्स की जगह आर्टिस्ट को चुना गया था। एक तरह का कॉम्पिटिशन स्टार्ट किया गया था उन आर्टिस्ट के बीच में जो सिलाई और बुनाई का काम करते हैं, जो बुनकर हैं, उनसे कहा गया था कि सुई धागा का लोगो उन्हें डिजाइन करना है फिल्म के प्रमोशन की शुरुआत में। वहीं फिल्म के एक लोगो देश के अलग अलग जगहों से बुनकरों ने लोगो बना के भेजे। उन लोगों को सोशल मीडिया पर डाला गया और उनमें से एक लोगो फाइनल किया गया, सुई धागा मेड इन इंडिया का ये लोगो। इसके अलावा प्रमोशन को सोशल मीडिया पर फेमस हुए सुई धागा चैलेंज से भी बढ़ाया गया था। तो फिल्म के प्रमोशन में खूब मेहनत की है वरुण और अनुष्का ने। अनुष्का भी अपने ग्लैमरस और डी ग्लैम अवतार में अलग अलग जगह जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अनुष्का शर्मा के एक्सप्रेशन के मीम बनने के बाद भी फिल्म को काफी प्रमोशन मिला था। अब देखना है कि जब बड़े बड़े पर आती है ये फिल्म तो क्या कमाल दिखाती है। दिस फिल्म इज बीइंग डायरेक्टेड बाय शरद कटारिया, जो कि इससे पहले दम लगा के हाइशा को डायरेक्ट कर चुके हैं।